देखो प्यारे बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं अपना मिलके शाबाश। सुनो भाई, ये अपने पास डायग्राम गिवन है नाइन्थ के पार्ट में, और C1 की वैल्यू है 4, C2 की वैल्यू है बच्चों 6। ये C1, C2 कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो हमें किन किन पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, किन किन के बीच में, ए और बी के बीच में। तो देखो शाबाश, बहुत ही आसान सी बात है, सुनो। अगर आपने रजिस्टर पढ़ लिए होंगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके बाद ही अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैं दोनों तरीके से आपको समझा दूंगा, जिसने वो पढ़ रखा है उस तरीके से भी, नहीं पढ़ रखा तो भी। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ रखा है तो वहां पर आपने एक बात जरूर पढ़ी होगी कि ये C1 है, ये C2 है, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं जो आमने सामने है, C1 C2 इक्वल आएगा किसके, C1 C2, ये भी C1 ये C2, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। C1 क्या है, 4 6, तो 24 इक्वल टू 24। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जब इनका क्रॉस आपस में करते हैं ये इक्वल आते हैं, तो अपने पास इस जो ब्रांच है बीच वाली, इसका कोई रोल नहीं रह जाता, इसको हटा देते हैं, उसको बोलते हैं वहां पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। वहां पर इनकी जगह क्या चिपके होते हैं, बस रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर बात वही है, तो इसको गायब कर देते हैं वहां पर, कब, जब इसका और इसका प्रोडक्ट इक्वल होता है इसके और इसके प्रोडक्ट के जो यहां पर है, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो ये दोनों किसमें हुए, सीरीज में, ये दोनों किसमें हुए, सीरीज में, आपस में किसमें हुए, पैरेलल में। एक तो बात हो गई ये, जिसने व्हीटस्टोन ब्रिज का ज्ञान है, और जिसे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का ज्ञान नहीं है ना, तो वो कैसे करेगा इस सवाल को, पता है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, एक ही तो लाइन है, दोनों का पोटेंशियल क्या है बच्चों, सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो सर इस ब्रांच में चार्ज क्या होगा, जीरो, तो इस ब्रांच को क्या कर देते हैं सर, गायब कर देते हैं। तो दोनों किसमें, सीरीज में, दोनों किसमें, सीरीज में, आपस में किसमें, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट निकाल दो, कौन सी खास बात है। C1 का जो सीरीज आएगा वो क्या आएगा सर, C1/2, कैलकुलेट करना आप, 1/C equivalent प्लस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C1, क्या आ जाएगा, C1/2। और बच्चों C2 का जो सीरीज आएगा वो क्या आएगा, C2/2 आएगा। तो बच्चों इन दोनों का आपस में पैरेलल, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब C1/2 प्लस C2/2। C1 कितना है, 4 है, तो 4/2 प्लस C2 कितना है, 6 है, तो 6/3, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2, ये आ जाएगा 4 माइक्रोफेराड। कितना आ जाएगा बच्चों, 4 माइक्रोफेराड। तो ये अपना क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, ये 2 है भाई, 2, तो 2 ने 2 को मारा 2 आया, 2 ने 6 को मारा 3, तो 2 प्लस 3 5 माइक्रोफेराड, क्या आएगा, 5 माइक्रोफेराड। भाई कैलकुलेशन में गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, नहीं तो क्या गलत हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। चलो बच्चों स्क्रीन पॉज करो और इसको नोट करो, मैं इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ता हूं। देखो मैं मिटाता हूं इसको और इसका बी पार्ट करते हैं अपन, देखो शाबाश, अच्छा लगेगा तुम्हें, देखो बने रहो, सुनो। बी पार्ट इसका है, एक खतरनाक सा दिखने वाला डायग्राम बना रखा है, पर है इसमें कुछ भी नहीं, ऐसा ए पार्ट का ही रिपीट टेलीकास्ट है, और इसके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है। देखो भाई शाबाश, वो आपको खुद भी दिखेगा जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा। सुनो, ये अपने पास है C1, ये भी C1, ये अपने पास है C2, ये भी C2, C1 C1 C2 C2। क्या कह रहा है बच्चों, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, क्या बताओ, इक्विवेलेंट। देखो ये डायग्राम कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा क्या, अरे लग तो रहा है सर, A पार्ट यही तो है बिल्कुल सेम, C1 C1 C2 C2, अरे सेम है ना। और ये नीचे वाला भी क्या है सर, ये भी देखा देखा लग रहा है, ये भी तो ए पार्टी है, तो इसीलिए तो ए पार्ट का रिपीट टेलीकास्ट है, ए पार्ट को दो अलग अलग पार्ट लिए, ये भी ए पार्ट, ये भी ए पार्ट, और किस में चिपका दिया बच्चों, पैरेलल में। तो देखो इसकी कैपेसिटेंस हम पिछले वाले में निकाल चुके थे, इसका कोई रोल नहीं है, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, तो इसकी कैपेसिटेंस हम ए पार्ट में कर चुके, पीछे जाके देखो कितनी आई थी बच्चों, 5 माइक्रोफेराड, और ये भी वही पार्ट है, तो इसकी भी क्या आई है बच्चों, 5 माइक्रोफेराड, आपस में किसमें है सर, पैरेलल में। तो सी पैरेलल क्या आ जाएगा बच्चों, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड, क्या आएगा, 10 माइक्रोफेराड। क्या सर आसान सा सवाल था,
ठीक है, डराने के लिए इतना खामखा उसने तामझाम दिखा रखा था कि बच्चा घबरा जाए। ठीक है भाई, तो शाबाश बच्चों, स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। थैंक यू।